हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी मैन आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि आप पीवीसी पाइप के अंदर कैसे चूड़ी बना सकते हैं। इसको बनाने के मैंने तीन आसान तरीके बताए हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, अगर अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, हमने ये दो पाइप के टुकड़े लिए हैं। एक हमने पीपीआर का लिया है 3/4 यानी कि 1/4 इंच का, और एक हमने 1/2 इंची का UPVC का पाइप लिया है। तो इन दोनों में हम थ्रेड बनाएंगे यानी कि चूड़ी बनाएंगे। तो इन दोनों में चूड़ी बनाने के लिए हमें दो GI सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। एक हमने 1/4 इंच की ली है और एक 1/2 इंच की ली है। अब सबसे पहले हम आपको पहला तरीका बताएंगे। ये हमने जो तरीका है ये PPR की मशीन के द्वारा किया है। इसके बाद दो तरीके और बताएंगे जो कि बिना मशीन के होंगे, बिना डाई के, बिना PPR मशीन के, जिसे कि हम जो अनजान बंदा है जिसे काम नहीं भी आता है वो भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम मशीन का तरीका करते हैं। हमारी मशीन गर्म हो गई है PPR की। फ्रेंड्स, पहले हम UPVC वाला पाइप जो साइड पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये PPR का पाइप जो है ये इस मशीन के अंदर ये घुमाना है थोड़ा सा। उसके बाद हमारी ये थ्रेड बन गई है। इसमें ये जो अपना कॉलर बनी है मशीन के द्वारा, इसको हम इस कटर ब्लेड से कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अब आपको दोबारा सॉकेट लगा के दिखाते हैं। आप टेफ्लॉन टेप लगा के इसमें सॉकेट कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे पास UPVC पाइप है, आपके पास ना तो थ्रेड डाई है ना आपके पास PPR मशीन है, तो आप ग्राइंडर लेंगे या फाइल लेंगे यानी कि रेती। इसमें भी आप टेफ्लॉन टेप लगा के कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है उसमें ग्राइंडर की भी जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। फ्रेंड्स, तीसरे तरीके के अंदर हमने ये देखो, ये दोनों थ्रेड जो बनाई थी इसकी दूसरी साइड पे बनाएंगे। हम किसी भी पाइप को ले सकते हैं, पहले जैसे PPR का पाइप लिया, इसमें टेपर करना है। हमें टेपर करने के लिए हमें क्या करना है, एक ये पेपर कटर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है, कुछ नहीं है, फाइल नहीं है, तो पेपर कटर ले लीजिए, इसी से इसकी टेपर बनानी है। दे देगी टेपर बनने के बाद हमने सॉकेट देखनी है। फ्रेंड्स, ये सॉकेट थोड़ी सी इसमें ऊपर चढ़नी चाहिए, जैसे ये पाइप इस सॉकेट में थोड़ा सा घुस जाए। उसके बाद हमने इसको थोड़ा प्रेस करना है और प्रेस करके ये सीधी, देखिए सीधी बिल्कुल लगानी है। एक दो चूड़ी लगाने के बाद हमने इसको टूल्स के द्वारा कस देना है। जैसे हमने ये पाइप रिंच ले लिया,